आप देख रहे हैं बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। लोकसभा की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने पार्टी को अपना इस्तीफा दे दिया था। हालांकि पार्टी ने उनके इस्तीफे को मंजूर नहीं किया था, लेकिन राहुल गांधी अपने इस्तीफे पे अड़े हैं। बिहार के यूथ कांग्रेस के नेता अपने खून से राहुल गांधी को लेटर लिख रहे हैं। आइए देखते हैं बात। और उनका कहना है कि अगर आप हैं यानी राहुल गांधी और सभी, सबसे बड़ी बात है कि सभी लोग जो हैं, सभी कार्यकर्ता जो हैं, वह आज अपने खून से राहुल गांधी को पत्र लिख रहे हैं। पत्र में राहुल गांधी को मनाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ राहुल गांधी लिख रहे हैं, क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे आदरणीय राहुल गांधी जी बने रहे, एक माह हो गया, एक माह तक उन्होंने अपने निर्णय को वापस नहीं लिया है। बिहार के जो युवा साथी हैं, युवा नेता हैं, वो रक्त के का पत्र भेजकर वो उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप अपने निर्णय पर पूर्ण विचार कीजिए, आपके सिवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हम लोगों को और कोई स्वीकार नहीं है। पत्र में सब लोगों ने अलग अलग अपना अपना विचार रखा है, अपना भाव रखा है। मैंने लिखा है कि आदरणीय राहुल भैया, आपके सिवा कांग्रेस में, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कोई पसंद नहीं है, वी लव यू राहुल जी, ये मैंने लिखा है। बाकी सब लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना भाव को रखा है। नहीं, हम लोग अपना मैसेज देना चाहते हैं राहुल जी को कि हम युवा बिहार में या पूरे देश में युवा आपके साथ तैयार हैं, और एक एक कतरा खून भी अब हमारे शरीर से चला जाएगा तब भी हम लोग पार्टी के लिए खड़े हैं और सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे। आप रहिएगा और आप लोग, आपके पीछे हम लोग रहेंगे और कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए हम लोग मैसेज देने के लिए ये कार्यक्रम जा रहा है। इसका कारण ये है, राहुल जी ने सिखाया कि सच के लिए लड़ो, झूठ के खिलाफ चाहे झूठा कितना बड़ा भी शक्ति हो उसके खिलाफ लड़ो। तो राहुल जी ने हमें जब लड़ना सिखाया, हो सकता है इस चुनाव में परिणाम हमारे अनुकूल नहीं रहा, लेकिन राहुल जी, पूरा देश के नौजवान ये बात जानते हैं कि इस देश को आगे बढ़ाने की क्षमता सिर्फ राहुल जी में है। और हम जैसे नौजवान जो एक ग्रामीण परिवार से आते हैं, मजदूर का लड़का हम हैं, हमें राजनीति में पहचान दिलाने वाले अगर नेता हैं तो राहुल जी हैं। तो हम जैसे लड़का नौजवान का सभी का ये मानना है कि राहुल जी, आप हमारा नेतृत्व कीजिए, हम संघर्ष के लिए तैयार हैं, फिर लड़ेंगे, जरूर जीतेंगे, आपके नेतृत्व में हम जीतेंगे, यही हमारी मांग है राहुल जी से। चुन्नू सिंह प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई बिहार। सदाकत आश्रम में मौजूद है और यहाँ खून से खत लिखा जा रहा है। आइए देखते हैं सर आपने क्या लिखा। हमने लिखा कि हमारा समर्पण राहुल जी, जब तक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमने उनको देख के राजनीति शुरू की। हम एक सामान्य परिवार से आने वाले लड़के हैं और आज एनएसयूआई में जो भी हमारा कद है वो राहुल गांधी को देखकर हमने बनाई है और उनकी बदौलत हम हैं। और ऐसे में अगर राहुल गांधी पार्टी की अध्यक्षता छोड़ते हैं तो हम लोग किसको देख के राजनीति करेंगे, हम लोग किसको देख कर राजनीति करेंगे। और इसीलिए हमने राहुल गांधी के प्रति अपने समर्पण को जाहिर करते हुए ये खत उनको देखते हुए लिखा है। कांग्रेस में राहुल गांधी के बाद और कोई नेता नहीं है जो अध्यक्ष नहीं है। कांग्रेस की पार्टी की तीन तीन राज्यों में सरकार चल रही है, अलग अलग मुख्यमंत्री है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, केंद्र में भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं। लेकिन जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, उनके नज़र में अभी हमें उनसे ज़्यादा सक्षम नेता कोई और नहीं दिखता, जो देश के तमाम मुद्दे हैं, जो देश के तमाम मुद्दे हैं। आज का जो दौर है, एक तरह से कहा जा सकता है कि आंतरिक रूप से देश पूरी तरह से खत्म होने के दौर है। ऐसे में गरीबों की लड़ाई, युवाओं की लड़ाई, छात्रों की लड़ाई कोई लड़ने वाला कोई नेता है तो वो राहुल गांधी जी है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि वो कांग्रेस का अध्यक्ष बने रहे। का नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम नितेश कृष्णवंशी हुआ, एनएसयूआई से आता हूँ, बिहार एनएसयूआई का प्रदेश महासचिव। हमारे साथ बिहार एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष थे। सर आपने क्या लिखा? हमने लिखा है राहुल गांधी आप हैं तो हम लोग हैं, और राहुल गांधी जैसे लीडर आज हमारे पार्टी में है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज उन्हीं के बदौलत हम इस पार्टी में हैं। क्योंकि राहुल गांधी का ही सोच था कि गरीब किसान मजदूर का बेटा भी नेता बने, और आज उन्हीं के बदौलत हम लोग नेता हैं यहाँ पे। नेता बनो, नेता चुनो, और हम लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष हमारे, क्योंकि हम लोग की बात को सुना जाएगा। आज जितने भी हम लोग देख रहे, लगभग युवा देख रहे होंगे, वो गरीब तबके से आते हैं, गरीब से हैं, किसान फैमिली से आते हैं। आज हम खुद किसान फैमिली से आते हैं, लेकिन प्रदेश में युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव भी रह चुके हैं, अभी फिर जिला के राजनीतिक में हम लोग चले गए हैं, वैशाली से आते हैं, नहीं तो यहाँ बड़े बड़े पुराने लीडर ही रहते थे। लेकिन राहुल गांधी का एक सोच है कि वो
राजनीति का दरवाजा खोला जाए कि गरीब बच्चे भी राजनीति में आए। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और सबकी बात सुने, युवाओं की बात सुने। अच्छा, ये लेटर राहुल गांधी तक कैसे पहुंचेगा? ये जो पत्र है, खून भरा पत्र, ये राहुल गांधी तक कैसे पहुंचेगा? राहुल गांधी के लिए पहुंचाने के लिए हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन मोहन झा, उनको हम लोग ये पत्र सौंपेंगे और ये दिल्ली जाके उनके हाथ में वहाँ पे जाके उनको देंगे। मैंने लिखा, आदरणीय राहुल जी, आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। उनके प्रति हमारा प्यार और संवेदना था कि हम लोग अपने खून से लिखने के लिए प्रयास किए और ये हम लोग का जो कैंपेन था बहुत ही सफल रहा और अभी भी बहुत से सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो इसमें लगे हुए हैं। राहुल जी, आपके कारण हमें राजनीति में पहचान मिला। इसके कारण हम बताते हैं कि जैसे हम गरीब परिवार से आते हैं, एक मजदूर का लड़का है, सुदूर ग्रामीण इलाके से आते हैं और आज मुझे पूरे प्रदेश में एक पहचान मिली है एक छात्र नेता के रूप में, ये राहुल जी का देन है। राहुल जी का सोच ही था कि नेता चुनो, नेता बनो, उसी के कारण हम प्रदेश एनएसयूआई के अध्यक्ष बने। तो जो राहुल जी ने हमें लड़ना जो सरकार है उसके खिलाफ लड़ना के लिए बोला, तो हम चाहते हैं कि राहुल जी आप हमारा नेतृत्व कीजिए, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम लड़ रहे हैं और हो सकता है हम चुनाव हारे हैं, लेकिन ये देश एक दिन फिर आपके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा और आपके जैसे नेता का जरूरत है इस देश को। चुन्नू सिंह, चुन्नू सिंह प्रदेश अध्यक्ष है शिवाय बिहार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करें। बिहार की राजनीति और बिहारियत से आपका भी है सरोकार, तो बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल की घंटी को दबा देने से सबसे सटीक और मारक खबरें आपको प्राप्त हो जाएंगी। अगर आपको पत्रकारिता में हमारा ये प्रयोग अच्छा लगा तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पेटीएम नंबर नोट कर लीजिए 9386816700। धन्यवाद।